डियर स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस में अप्रोचेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के विषय में चर्चा करेंगे। करिकुलम कंस्ट्रक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण क्या होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। अब इस पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए किन अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहले हम करेंगे अप्रोचेस क्या होती है। अप्रोचेस को हम कहते हैं इट इज अ वे ऑफ डीलिंग विथ समथिंग और विथ करिकुलम। जब हम करिकुलम को डील करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उसकी डिजाइनिंग के बारे में सोचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वो उसकी अप्रोच है जो हमारी हेल्प करती है टीचर का रोल डिफाइन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने में कि स्कूल में करिकुलम किस तरीके से उन्होंने करवाना है। तो बच्चों, हमारे सिलेबस में तीन अप्रोचेस हैं, कंसेंट्रिक अप्रोच, टॉपिकल अप्रोच एंड यूनिट अप्रोच। तो सबसे पहले हम करेंगे कंसेंट्रिक अप्रोच। कंसेंट्रिक अप्रोच सकेंद्रित उपागम। सकेंद्रित उपागम जो है इट प्रोसीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन। ये नोन से अननोन की तरफ हम इसमें लेके जाते हैं, जो बच्चे को पता है वहां से, जहां बच्चे को नहीं पता है, जो ज्ञान उस बच्चे के पास नहीं है वहां तक उसको लेकर जाते हैं। टॉपिक्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन हायर स्टेजेस, द प्रोसेस बिकम मोर डिटेल्ड इन हायर स्टेजेस। इसका मतलब है कि एक ही टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट होता है, पर हर बार वो क्या हो जाता है, वो और ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगी। जैसे कि आपको ये तीन सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, कंसेंट्रिक अप्रोच का एक एग्जाम्पल है कि इसके केंद्र में क्या है। अब इसके केंद्र में हमारा एक टॉपिक है फ्लावर। जैसे हमने लोअर क्लास में बच्चों को करवाया फ्लावर कि फ्लावर क्या होता है, उसके कौन से पार्ट्स हैं, फिर उससे हायर क्लास में हमने उसको फ्लावर से ही रिलेटेड करवाया, टाइप्स ऑफ फ्लावर, कितने अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद उससे हायर क्लास में और डिटेल में हमने करवाया प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ फ्लावर्स, जो उसकी और नॉलेज है फ्लावर्स से रिलेटेड वो हमने बच्चे को दी। तो हमारे कंसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि हमारा टॉपिक जो है वो सेम रहता है, पर उसमें क्या हो जाता है, फ्रॉम क्लास टू क्लास उसमें एडिशन हो जाता है और नॉलेज जो है वो उसमें एड हो जाती है। तो बच्चों, अब हम इसकी एडवांटेजेस करेंगे। एडवांटेजेस में पहली है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इससे बच्चे का मानसिक विकास होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो नॉलेज को क्या कर रहा है, धीरे धीरे गेन कर रहा है, तो नॉलेज जो है वो उसकी ग्रेजुअली डेवलप हो रही है और साथ ही उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है। सेकेंड है इट इज साइकोलॉजिकली साउंड। ये साइकोलॉजिकली भी साउंड है, क्योंकि बच्चा जो है वो एकदम से ही कंटेंट को नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसको, जैसे मैंने अभी कहा, ग्रेजुअली रिसीव कर रहा है। तो ग्रेजुअली जब बच्चा रिसीव करता है तो हम ये मानते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक ढंग से भी सही है। इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग के प्रिंसिपल, सिद्धांतों पर आधारित है। एक अभी आपको मैंने बताया फ्रॉम नोन टू अननोन, कि जो बच्चे को पता है, जैसे हमने फ्लावर पहले बच्चे को नहीं पता था, अगर हमने फ्लावर की नॉलेज दी, उसके पार्ट्स की नॉलेज दी, तो वो उसके क्या हुआ, वो उसके नोन एरिया में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम उसको कहां लेके, टाइप्स ऑफ फ्लावर, फिर उसके बाद हमने और नॉलेज फ्लावर से रिलेटेड दी, तो वो क्या हो गया, वो फ्रॉम नोन टू अननोन, जो उसको फूलों के बारे में नहीं पता था वो वहां तक पहुंच गया। इसमें हम और मैक्सिम्स भी लेते हैं, जैसे इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि जो सरल है वो हमने लोअर क्लासेस में कराना है, और जो हमारा टॉपिक कठिन है, जो उसका पार्ट कठिन है, वो हमने हायर क्लासेस में करवाना है। इट इज चाइल्ड सेंटर्ड। जब ये बच्चे का मानसिक विकास भी कर रहा है, ये साइकोलॉजिकली साउंड भी है, तो ये अप्रोच क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड भी है। नेक्स्ट है इट सॉल्व्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेंट। ये जो हमारी विषय वस्तु है उसकी जटिलता को कम करता है। वो कैसे करता है कि जैसे हम टॉपिक को क्लास वाइज डिवाइड कर रहे हैं, टॉपिक हमारा एक ही है, तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो डिफिकल्टी है वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर विजन ऑफ कंटेंट। जब वो टॉपिक रिपीट होता है तो टीचर जो है वो, जब जैसे बच्चा है एट्थ क्लास में और उसको फ्लावर जो है वो सिक्स क्लास से करवाया जा रहा है, तो जब एट्थ क्लास में टीचर इंट्रोड्यूस करेगा कि आज हम ये टॉपिक करेंगे फ्लावर से रिलेटेड, तो वो बच्चे को बताएगा कि आपने ये सिक्स और सेवन्थ में भी पढ़ा है, तो जब वो बोलेगा ये आपने सिक्स और सेवन्थ में भी पढ़ा है, तो वो कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। इट मेक्स लर्निंग कॉन्टिन्यूअस, और इससे लर्निंग जो है अधिगम जो है वो क्या हो जाता है, निरंतर हो जाता है। अब हम करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है रेपिटेशन एंड बोर्डम। जैसे कि एक ही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है विद एडिशन, तो ये कई बार बच्चे को क्या कर देता है, बोर कर देता है। इट फेल्स टू अराउज क्यूरियोसिटी। जहां बच्चा बोर हो जाता है वहां उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होनी बंद हो जाती है।
लैक ऑफ कैपेबल टीचर्स, लैक ऑफ कैपेबल टीचर्स का मतलब है कि एक हम मानते हैं या हमने देखा है स्कूल में क्या होता है, साइंस पढ़ाने के लिए सिक्स टू टेंथ में एक ही अध्यापक होता है या फिर दो अध्यापक होते हैं। तो जब वो अध्यापक क्लास दर क्लास एक ही टॉपिक को बार बार करवा रहा है और अगर वो उसको कैपेबिलिटी उसमें इतनी नहीं है कि वो उसको डील कर सके, तो क्या होगा, ये अप्रोच जो है ये फेलियर साबित हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच है हमारी टॉपिकल अप्रोच। टॉपिकल अप्रोच को हम उप विषय उपागम कहते हैं। टॉपिकल अप्रोच में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी टॉट इज डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स। जो हमारा विषय वस्तु है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम विषयों में विभाजित करते हैं, फिर उन विषयों को हम कराते हैं कक्षा में। पर ये विषय जो है आप ध्यान से देखिए, टॉपिक्स मार्क फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड मस्ट हैव बिगनिंग एंड एंड इन दैट वेरी ग्रेड। जिस कक्षा में, जैसे सिक्स क्लास में एक टॉपिक है, उसकी बिगनिंग भी वहीं पे होगी और उसका अंत भी वहीं पर होगा। ये कंसेंट्रिक अप्रोच से किस प्रकार भिन्न है, कंसेंट्रिक अप्रोच में रेपिटेशन होता है, पर टॉपिकल अप्रोच में रेपिटेशन नहीं होता है। टॉपिक उसी क्लास में इनिशिएट किया जाता है और उसी क्लास में उसको वाइंड अप कर दिया जाता है। इसको भी मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। जैसे रेनफॉल एक टॉपिक है, रेनफॉल को हम क्या कहते हैं कि बारिश का होना। बारिश का होना जो है इसका अपना मीनिंग है, इसका फिजिकल लॉज है, इसके साथ केमिकल सिग्निफिकेंस है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, वेजिटेशन में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जितना मैं आपको, जितने मैंने आपको टॉपिक्स रेनफॉल से रिलेटेड करवा बता रही हूँ, ये सारे के सारे हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें एक ही ग्रेड मीन्स एक ही क्लास में हमें इसे करवाना पड़ेगा। इसका रेपिटेशन जो है वो अगली क्लासेस में या पिछली क्लासेस में नहीं होगा। अब हम इसकी एडवांटेजेस करेंगे। Easy topics can be taught in early classes and difficult topics can be reserved for higher classes. हम क्या कर सकते हैं, अगर हम टॉपिकल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए, तो जो सरल विषय हैं उन्हें हम छोटी कक्षाओं के लिए रख सकते हैं और जो हमारे जटिल हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, हायर क्लासेस के लिए रख सकते हैं। इट गिव्स सिग्निफिकेंस टू द कंटेंट, और इससे कंटेंट को क्या मिल जाती है, इम्पोर्टेंस मिल जाती है। हर एक विषय वस्तु अपने आप में क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। इट फैसिलिटेट्स लर्निंग, ये भी अधिगम को फैसिलिटेट करती है अप्रोच। इसके बाद है इसके डिसएडवांटेजेस। पहली है नॉट लॉजिकल, ये लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि एक एक टॉपिक जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक जो है वो क्लास में करवाया जाएगा, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो आपका दूसरा है प्रीवियस नॉलेज निग्लेक्टेड, आगे पीछे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, तो इतनी नॉलेज गेन करना बच्चे के लिए क्या हो जाता है, विदाउट एनी रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लैक ऑफ एफिशियंट टीचर्स, अब इसमें भी अगर हमारे पास योग्य अध्यापक नहीं है, प्रभावशाली अध्यापक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हर एक विषय को ठीक तरह से कक्षा में नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जब हम कंसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आगे पीछे रिलेशन बन जाता है हमारा। पर यहां पे जब रिलेशन नहीं बन रहा है, हर टॉपिक अपने आप में नया है, तो फिर क्या होगा, अगर अध्यापक कुशल नहीं है तो वो टॉपिक जो है वो भी अपने आप में फेल हो जाएगा। अब हम थर्ड अप्रोच करेंगे। हमारी थर्ड अप्रोच है यूनिट अप्रोच, इकाई उपागम। इकाई उपागम जो है इसमें क्या किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स। इसमें विषय वस्तु और जो अधिगम के अनुभव हैं उन्हें मीनिंगफुल अर्थपूर्ण इकाइयों में विभाजित किया जाता है। अर्थपूर्ण इकाई का मतलब है एक पूरा चैप्टर जो है वो बनाया जाएगा, उस इकाई को फिर आगे उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है, उसके साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, कौन सी शिक्षण की विधियां इसके और पढ़ाने के लिए हम अपनाएंगे, किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का हम प्रयोग करेंगे, इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, वो सारा जो है वो यूनिट अप्रोच में डिसाइड किया जाता है। इन दिस अप्रोच होल इज इम्पॉर्टेंट। हमारा एक मैक्सिम टीचिंग का ये भी है, फ्रॉम होल टू पार्ट, होल संपूर्ण से भागों की तरफ। तो हमारी जो यूनिट अप्रोच है ये किसको फॉलो करती है, होलनेस को, कि हम एक यूनिट जो है पूरा या एक पूरा चैप्टर जो है वो हम एक ही टाइम पे करवाएंगे। यूनिट अप्रोच में हमारे चैप्टर्स जो हैं वो लिंकअप हो सकते हैं हायर क्लासेस में, वो यूनिट्स रिपीट हो सकते हैं विद एडिशन ऑफ नॉलेज, जैसा कि हमारे टॉपिकल अप्रोच में नहीं था। अब हम इसके एडवांटेजेस करेंगे। इट कल्टिवेट्स इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इनटू कंटेंट, इसमें बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो विषय वस्तु की तरफ पैदा होता है, उसकी रुचि पैदा होती है, क्योंकि इसमें टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स दोनों का डिसीजन जो है वो पहले ले लिया जाता है। इट कल्टिवेट्स हैबिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी,
बच्चा जो है वो आत्मअध्ययन कर सकता है, वो किस प्रकार कर सकता है, ये थर्ड पॉइंट जो है वो क्लियर करता है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। जो इकाई बच्चे को पाठ्यक्रम द्वारा करवाई जा रही है उसमें जो हम बोलते हैं विभिन्न विधियों का सहारा लेना है, अलग अलग क्रियाएं करवानी है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी है, तो जब इन मेथड को फॉलो किया जाएगा तो बच्चे में सेल्फ स्टडी की हैबिट अपने आप में बिल्ड हो जाएगी। इट इज हेल्पफुल इन डिवाइडिंग कंटेंट लॉजिकली, और कंटेंट जो है वो यूनिट्स में, यूनिट्स जो है वो सब यूनिट्स में जब डिवाइड होंगे तो वो लॉजिकली ही डिविजन उनका होगा। अब हम करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस। टीचिंग बिकम्स मैकेनिकल, इसमें क्या होता है, टीचिंग जो है वो मैकेनिकल हो जाती है, वो यांत्रिक हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज जो है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है। जब हर चीज पहले से ही डिसाइडेड होती है तो टीचिंग जो है वो हमारी मैकेनिकल मानी जाती है। फिर है लैक ऑफ कैपेबल टीचर्स। अब यहाँ पे भी अगर कुशल अध्यापक नहीं होंगे तो अगर इस अप्रोच के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आज हमने किया अप्रोचेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, और हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब हमने पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो हमने सिर्फ एक अप्रोच को लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करना है। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कक्षा के लिए जिसमें कंसेंट्रिक अप्रोच भी हो, हमारी टॉपिकल अप्रोच भी हो और यूनिट अप्रोच भी हो। एक अप्रोच कोई भी अपने आप में बेस्ट नहीं कही जा सकती है, इनको लेकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण, तीनों अप्रोचेस को लेकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। So, thank you very much. Stay home, stay safe.